हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं प्ले साउंड विद लुकिंग डिवाइस सेटिंग को हम कैसे इनेबल कर सकते हैं, यानी कि ऑन कर सकते हैं और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रेडमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और साउंड एंड वाइब्रेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको दिखा रहा है प्ले साउंड विद लुकिंग डिवाइस। तो राइट साइड से हम इसको इनेबल कर देंगे, यानी कि ऑन कर देंगे। और अब आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाया था किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी अपनी स्क्रीन को लॉक करेंगे तो एक साउंड आएगी और ऑन करेंगे तो भी एक साउंड आएगी। तो इसको बोलते हैं प्ले साउंड विद लुकिंग डिवाइस, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।